उसका बच्चा अबॉर्ट कराना ही होगा। सब सब बदल गया बाबा, सब सब खत्म हो गया। जिंदगी हमसे ऐसे क्यों बदला ले रही है बाबा, क्यों? ऐसा लग रहा है जिंदगी गिन गिन कर हमसे बदला ले रही है। बाबा, सचिन का गम क्या कम था कि अब श्रावणी के पेट में सचिन का बच्चा, ये सब कब खत्म होगा बाबा? बेटा, जो बदलती रहती है, चलती रहती है, उसी को जिंदगी कहते हैं। वही तय करती है कि हमें कहां तक जाना है और कहां ले जाना है, कितना हंसाना है, कितना रुलाना है। और तुझे पता है बेटा, हम जिंदगी से सवाल भी नहीं कर सकते वो ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, वो बस ऊपर वाला ही जाने। नटरंग तुझे पता है बेटा, ये एक मराठी फिल्म है जो 1 जनवरी को रिलीज हो रही है। ये भी एक कलाकार की कहानी जो अपने मकसद को पाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है। उसका चुना हुआ रास्ता मुश्किल है, हर मोड़ पर रुकावटें हैं, समाजों के नियमों से लड़ते लड़ते कभी कभी वो थक जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। यही जज्बा उसे एक दिन कामयाब बना देता है। जिंदगी चुनौतियां खड़ी करती है, जब तक हम चुनौतियों से लड़ने का साहस रखते हैं, हमारा जीतना तय है। और हमें जीतना है वंदिता, हमें गुजरे हुए कल के साथ नहीं, आने वाले कल के साथ जीना। चलिए, अर्जुन, उन्होंने एक शर्त रखी है। वो कह रही थी कि ये रिश्ता तभी बन सकता है अगर तुम्हारे और मानव के बीच में सुलह हो जाए और तू वापस उस घर में रहने के लिए जाए। अर्चना बोलो। सती जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो आप तो जानती होंगे शायद कि कल मेरी आई आपके घर वर्षा का रिश्ता लेकर आई थी। अच्छा, नहीं, मेरी इस बारे में कोई भी बात नहीं हुई आई से। हो सकता है कि मैं कल रात में काफी देर से आया था ऑफिस से, इसलिए। खैर, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि तुम्हारी आई यहाँ पर आई थी शादी के लिए। वर्षा ने उसका फैसला तो अभी। सती जी, वर्षा ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी, इसलिए आई बात आगे बढ़ाने के लिए वहां आई थी। और आपकी आई ने कहा कि उन्हें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं, बस एक शर्त है। कैसी शर्त? कि अगर ये रिश्ता होना है तो उससे पहले मुझे मानव के घर वापस जाना होगा। सती जी, आप हालात अच्छी तरीके से जानते हैं, बात इतनी बिगड़ चुकी है कि मेरा मानव के घर जाना तो दूर, उनके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरे अतीत का साया मेरी बहन के भविष्य पर पड़े, और इसके लिए सिर्फ आप ही सती जी मेरी मदद कीजिए प्लीज। आप वर्षा को पसंद करते हैं ना? हाँ बिल्कुल। तो सती जी प्लीज, आप अपनी आई से एक बार बात कीजिए, उन्हें समझाइए कि मेरा मानव के घर जाना लगभग नामुमकिन है और इस वजह से ये रिश्ता टुकराना। नहीं, मैं बात करूंगा इससे इस बारे में, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो कि मुझे भी क्लियर करनी है, उन्हें मेरा जानना बहुत जरूरी है। थैंक यू सतीश जी, थैंक यू। Thank you.
भाई तूने कुछ सुना? किस बारे में? सतीश जी और तेरे रिश्ते को लेकर सतीश जी की आई ने क्या शर्त रखी है? हाँ मैंने सुना, मेरा और सतीश जी का रिश्ता तब तक नहीं हो सकता जब तक ताई जीजू के पास वापस नहीं चली जाती। लेकिन ये बात इम्पॉसिबल है ताई। ये बात जैसे तुझे और मुझे पता है ना, सतीश जी की आई को भी पता है, इसीलिए तो ये शर्त रखी है, क्योंकि वो चाहती नहीं कि ये रिश्ता हो। मतलब? वैश्य मुझे एक बात बता, क्या तुझे कोई उम्मीद है ताई की जीजू के पास वापस जाने की? फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं। सचिन की मौत के बाद जीजू सिर्फ ताई से ही नहीं अपने पूरे परिवार से ही नफरत करने लगे हैं। ऐसी बात नहीं है वैश्य, तूने जीजू को नहीं पहचाना। वैश्य वो ऐसा इंसान है ही नहीं जो किसी से नफरत करे। और रही बात ताई की, वो तो ताई से अभी भी उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। हाँ मैंने माना उनके बीच में अभी कुछ गलतफहमियां हुई हैं, लेकिन वो भी जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। वैश्य सीरियसली एक बात बोलूं, मैं अभी भी यही चाहती हूँ कि वो दोनों एक हो जाए। ताई मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन आखिर उन दोनों के बीच में समझौता होगा कैसे? मैं करूंगी। कैसे? वैश्य सतीश जी की आई ने जो शर्त रखी है ना, उससे एक रास्ता खुल गया, और उसी बात का फायदा उठाकर मैं उन दोनों को मिलवा कर रहूंगी। एक मिनट एक मिनट, तो क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुन मेरी बात, ताई और जीजू के लिए ये रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। ताई वो आई सतीश जी के घर पर गई थी ना वो रिश्ते की बात करने, क्या हुआ उसका? हाँ वर्षा, उन लोगों ने हाँ तो कहा, लेकिन वो लेकिन क्या ताई? वर्षु उन लोगों के हाथ भी बंधे हुए हैं ना, मतलब जब तक मैं इस घर में हूँ तेरा रिश्ता उस घर से नहीं जुड़ सकता। मतलब मैं कुछ समझी नहीं ताई। वर्षु सतीश जी क्या इन्हें हाँ तो कहा है, लेकिन सिर्फ इस शर्त पे कि अगर ये रिश्ता होगा तो उससे पहले मुझे मानव के घर वापस जाना। क्या ये क्या बात है? जब सतीश जी की आई सब कुछ जानती है फिर इस तरह की शर्त कैसे रख सकती है वो? ताई हम सबको पता है कि तुम और मानव जीजू अलग हो गए हमेशा हमेशा के लिए, अब किसी भी तरह का कोई भी समझौता तुम दोनों को नजदीक नहीं ला सकता, तुम दोनों का अब कोई संबंध ही नहीं रहा है, फिर भी ये शर्त रखी है। अगर उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं था तो साफ साफ कह देती ना, इस तरह की घुमा फिरा कर बात करने की क्या जरूरत थी? ताई एक बात बताओ, तुम और मानव जी जो अब एक होंगे ये हम सपने में भी नहीं सोच सकते, हकीकत तो बहुत दूर की बात है। मुझे तो लगता है इस रिश्ते को भूल जाने में ही सबकी भलाई है। ताई क्या सोच रही है? वैशु वो वर्षा कह रही थी। सुना मैंने, बिल्कुल ठीक ही तो कह रही है वो। अरे सतीश जी की आई ऐसी कैसी शर्त रख सकती है? वो जानती है कि तेरे और जीजू का डिवोर्स होने वाला है और वो फिर भी तुझे उनके घर पे जाके रहने को बोल रही है। नहीं वैशु, सतीश जी जैसे इतने अच्छे इंसान को गंवाना वर्षा की पूरी जिंदगी का सवाल है। हमें ढूंढने से भी इतना अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, और सिर्फ सिर्फ मेरी वजह से उसका ये नुकसान हो कि मैं नहीं सह सकती। तो फिर क्या करेगी तू? हाँ क्या करेगी? उनके घर पे जाके रहेगी? क्या करेगी तू बताना? हाँ पापा नहीं, मुझे मुझे बच्चा नहीं गिराना पापा, प्लीज पापा, पापा मैंने पापा आपने मेरी आज तक हर बात मानी पापा, लास्ट बात प्लीज मुझे बच्चा नहीं गिराना पापा, नहीं मुझे मुझे
बच्चा नहीं गिराना पापा। क्या हुआ, तुम मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? आप तो जानते ही होंगे कि आपकी आई ने हमारे रिश्ते के बारे में क्या शर्त रखी है। जानता हूँ, मैंने सोचा कि उनसे बात करूं, लेकिन फिर सोचा कि पहले तुमसे बात कर लूं कि क्यों तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ कहा। उस दिन तो बड़ी आसानी से तुम मुझे ना करके चली गई थी। फिर हम सगाई कब कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पशी, हो क्या रहा है? तुम उस दिन जो कह रही थी वो बात सच है कि आज जो कह रही है वो सच है? प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा कोई मजाक मत करो। मैं आपके साथ कोई मजाक नहीं कर रही। मैं उस दिन भी आपसे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी और आज भी तैयार नहीं हूँ। तुम कहना है वो साफ साफ कहो प्लीज। साफ साफ बात ये है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। एक नाटक करना है। एक मिनट, कैसा नाटक है? आपकी आई ने जो शर्त रखी है ना, उसे सुनने के बाद ताई और जीजू को एक साथ लाने का एक रास्ता मुझे दिख रहा है। देखिए, ताई चाहती है कि आपकी और मेरी शादी हो जाए। वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, और हमें उसे अब ये यकीन दिलाना है कि हम एक दूसरे को पसंद करते और शादी करना चाहते। और ये शादी करवाना या ना करवाना सिर्फ उसके हाथ में। जब उसे ये समझ में आएगा तो वो जीजू के पास जरूर वापस चली जाएगी। फिर आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट शुरुआत तो हो जाएगी। लेकिन क्या ये मानो तुम्हारी अर्चना को अपना है? प्यार तो वो ताई से अभी भी उतना ही करते। हो सकता है वो अपना ले। देखिए, हमें ये नाटक सगाई तक खींचना है। एक बार ताई जीजू के पास वापस चली जाएगी ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी शादी किस तरह से टालनी है वो हम बाद में भी देख सकते हैं। सतीश जी, इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। अब मैं कोई भी मदद नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? ताई को अपना दोस्त मानते हैं ना, उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे दावे करते हैं। तो फिर क्या प्रॉब्लम है, अब ना क्यों कर रहे हैं? मैं ना नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे लिए नाटक होगा, लेकिन मेरे लिए सच्चाई। प्यार करता हूं मैं तुमसे, हर्ट होगा मुझे ये सब करने पर। आप तो बड़े ही सेल्फिश इंसान हैं। मैंने तो ताई से कुछ और ही सुना था कि आप अच्छे इंसान हैं और उनके जैसे। कहने पर तुम ये मान गई कि मैं अच्छा हूं, कि मैं इंसान हूं? ये कम ऑन वर्षा, दर्द होता है मुझे तुम्हारे ना कहने से, तुम्हारे रवैये। देखिए सतीश जी, मैं ये काम करूंगा अर्चना की खुशी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी खुशी में तुम्हारी खुशी शामिल है। इसलिए थैंक यू सो मच। अब आगे क्या करना है और कैसे करना है मैं फोन करके आपको सब कुछ बता दूं। आप प्लीज इस बारे में हम जो भी बात करेंगे इसी तरह बाहर मिलकर करेंगे। ठीक है। Thank you.
हेलो सविता जी, गिरीश बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार नमस्कार। मानव अभी अभी निकल गया। नहीं, मुझे मानव से नहीं, आप ही से बात करनी है, बहुत जरूरी बात है। कही है ना, श्रावणी अबॉर्शन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, लगातार रोए जा रही है और वो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अगर उसका बाप हूँ मैं, उसका दर्द शायद मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। उसके जज्बातों के साथ साथ मुझे उसकी जिंदगी के बारे में भी देखना है। सही कह रहे हैं आप, लेकिन इस मामले में मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैंने मेरी तरफ से समझाने की बहुत ही कोशिश की। जानता हूँ, लेकिन इस समय वो ऐसी हालत में कि ना कुछ सुन सकती है ना कुछ समझ सकती है, इसलिए हमें ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा तो उसका बच्चा भी सलामत रहे और उसकी इज्जत भी। मैं समझी नहीं गिरीश जी। देखिए सविता जी, मैं सारे मसले पर सोच विचार करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि श्रावणी उस बच्चे को रखेगी। बस उसके हाथ थामने के लिए अगर कोई मिल जाए तो, और इसके लिए मेरी नजर में सबसे पहला नाम है मानव। देखिए, मानव का डाइवर्स लगभग हो चुका है, अब कुछ ही दिन में उसकी डाइवर्स की फाइनल रिपोर्ट भी आ जाएगी। चाहे तो हम उसका और श्रावणी का रिश्ता तय कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, मेरा एक सुझाव है, बाकी फैसला आप लोगों का है। देखेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। घर वापस जाओ। नहीं, अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। अगर मैं वापस घर गई तो पापा मुझे बच्चा गिराने में मजबूर कर देंगे और मेरी शादी कहीं और कर देंगे। प्लीज, मैं यहीं रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अपनी मेरी बात समझो। ये लो, आ गई महारानी। अब क्यों आंसू बहा रही है? शादी से पहले गुल खिलाते वक्त शर्म नहीं आई? आजकल की लड़कियों को तो लाश शर्म होती नहीं है। बस इन्हें लगता है कि सगाई हो गई ना तो बस इन्हें सब कुछ करने का परमिशन मिल गई है। बिल्कुल। और इसके पेट में जो बच्चा है ना, वो सचिन का है या किसी और का है? हाँ, ऐसी लड़कियों का क्या भरोसा? अपनी सविता के तो नसीब ही खराब है बेचारी के। एक बेटे की शादी की उस बहू ने जेल की हवा खिला दी और दूसरी आई भी नहीं और ये दिन दिखा रही है। एक बहू झूठी और दूसरी बच्चलन। श्रावणी बच्चलन नहीं है। वैशु, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? तू शांत हो ताई। नहीं वैशु, तू नहीं समझ रही। आज पहली बार मैं अपने आप को इतना मजबूर महसूस कर रही हूँ। वैशु, आज मेरी वजह से मेरी बहन की जिंदगी दांव पर है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन तू कर भी क्या सकती है ताई? तू थोड़ी ना मानव जीजू के पास वापस जा सकती है। और माना माना अगर तू मानव जीजू के पास वापस चली भी गई तो क्या जीजू तुझे एक्सेप्ट करेंगे? नहीं वैशु, शायद नहीं। पहले जेल की बात, फिर सचिन, इन दो बातों की वजह से आज मैं मानव की नजर से पूरी तरह उतर चुकी हूँ। वो मुझे अपने घर पर क्या, वो मुझे एक मिनट के लिए अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी क्या ताई, क्या वैशु, फिर भी मैं कोशिश करना चाहती हूँ ताई। हाँ वैशु, वैशु, मैं वर्षा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बस मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं पहला कदम कैसे उठाऊँ उस घर के लिए। ताई, तू जानती है ना तुझे उस घर पे क्या क्या सहन करना पड़ेगा। हाँ वैशु, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा मान सम्मान, मेरा दर्द वर्षों की खुशियों से बढ़कर नहीं है। अगर मुझे मुझे एक मौका मिले ना,
तो मैं घर वापस जाऊंगी। मानो बेटा, आ इधर बैठ। बैठना। गिरीश जी का फोन आया था, वो कह रहे थे कि श्रावणी बच्चा गिराने को तैयार नहीं है, रो रही है, किसी का सुनती नहीं, इसीलिए वो बच्चे को बचाना चाहते हैं। वो कह रहे थे अगर कोई ऐसा लड़का मिले जो श्रावणी को इसी हालत में स्वीकार करे, और वो तो कहते थे कि अगर मानव श्रावणी से शादी करेगा तो उसका घर भी बच जाएगा। पागल हो गई हो तुम? अरे ये कोई हल है? और गिरीश जी ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मानव और श्रावणी की? नहीं नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। क्यों मुमकिन नहीं बताओ ना, क्यों मुमकिन नहीं? इसमें क्या गलती है सविता? सचिन मानव का भाई है, सचिन के हाथों कुछ गलती हो गई तो उसको सुधारने की जिम्मेदारी मानव की है ना, उसमें क्या है? दब गई है मेरे मानव की जिंदगी, जिम्मेदारी और फर्ज के नीचे। जिंदगी पर यही करता आ रहा है वो, घर के कम हुए तो बाहर के भी आ गए। श्रावणी बाहर वाली नहीं है। माना कि श्रावणी पराई नहीं है, लेकिन ये शादी नहीं हो सकती। सविता बात को समझो, पति पत्नी का रिश्ता किसी समझौते के बिना पर बना रहे तो आगे चलकर क्या अहमियत होगी इस रिश्ते की? अरे ना श्रावणी खुश हो पाएगी ना माना। वक्त आदमी को सब कुछ सिखा देता है दादा, जख्म भर जाएंगे, लोग अपने आप भूल जाएंगे सब कुछ। ये सब मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मानव और श्रावणी की शादी नहीं हो सकती। मानव शादीशुदा है और अर्चना उसकी पत्नी है और हमेशा उसकी पत्नी ही रहेगी। अर्चना और मानव का तलाक हो चुका है, मानव ने उसे अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया है, फिर उसके होने ना होने का फायदा क्या? बोलो ना सविता, तुम कब समझोगी मानव को, उसकी जज्बातों को? तुम कभी नहीं समझोगी। मैं ही गलत हूँ कि तुमसे ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। जो भी हो, मैं मानव की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा। और श्रावणी, उसकी जिंदगी बर्बाद होते हुए देख सकते हैं हम? उसको सुधारना हमारा कर्तव्य नहीं है? अरे उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा, लेकिन मैं मानव की जिंदगी की बलि नहीं दूंगा। मैं श्रावणी से शादी करने के लिए तैयार। मुझे पता था बेटा, तू कभी पीछे हटने वाला नहीं, मुझे गर्व है तुझ पर। दादा, फैसला हो चुका है, मानव श्रावणी से शादी करेगा। हेलो, तू? मैंने फैसला कर लिया बाबा। ऐसे नहीं, मेरी आंखों में आंखें डालकर बोल। मुझे मालूम है तू बोल नहीं पाएगा, मुझे पता है तो अब भी अर्चना में उसकी यादों में अटका हुआ है, तो अभी उससे प्यार करता है। फिर क्यों क्यों मान लो अब मुझसे नजरें क्यों झुका रहा है तू? तुम मन से कह दे तू अब भी श्रावणी से शादी करना चाहता है। श्रावणी के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ।
फिर ये तू अच्छा नहीं कर रहा है मानो। अर्चना के साथ अन्याय कर रहा है तू। पर मानो तू अभी तक उससे प्यार करते है और मेरा प्यार, मेरे जज्बात, मेरी यादें, ये सब श्रावणी की जिंदगी से बढ़कर है क्या बाबा? और आप किस प्यार के बारे में बात कर रहे हैं? वो प्यार जो जो सिर्फ अतीत बनकर रह गया। तो अगर ये जिंदगी किसी और की जिंदगी के काम आ गए तो इसमें गलत क्या है बाबा? श्रावणी को देख उसकी जिंदगी में क्या बचा है? अगर इस समय आप उनका साथ नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? मानो तेरी अपनी जिंदगी है। और कहते हैं कि प्यार जितने पलों का होता है उतनी बड़ी जिंदगी होती है। इस हिसाब से मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई ना बाबा। बाबा सचिन मेरा भाई था और श्रावणी के पेट में सचिन का बच्चा है। अगर ऐसे मौके पर मैं हाथ नहीं थामूंगा तो श्रावणी का हाथ कौन थामेगा बाबा? बाबा जो भी हुआ है उसमें जितनी गलती श्रावणी की है उतनी गलती सचिन की भी है। फिर किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। इस गलती की जिम्मेदारी मैं लेता हूं बाबा। मानो भी उधर नहीं मानो, तुम समझदार हो। मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस यही कहूंगा कि कई फैसले ऐसे होते हैं जो जिंदगी का रुख बदल देते हैं और ये फैसला उन्हीं में से एक है। अब तय तुझे करना है कि तू क्या करना चाहता है।